नमस्कार, आप सभी को आचार्य डॉक्टर सुशांत राज की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। इस बार होलिका दहन में हर समय कोई अशुभ मुहूर्त आ जाता था, जिससे भद्रा योग की वजह से समय पर होली प्रज्वलन नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। इस बार चौघड़िया में शुभ लाभ अमृत के दौरान भी होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका दहन के बाद 29 मार्च को लोग होली और गुलाल से जो है पर्व मनाएंगे। होलिका दहन होलिका त्यौहार का पहला दिन है और फागुन की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इससे अगले दिन रंगों का जो रंग खेलने की परंपरा है वो बहुत ही उल्लासपूर्ण रहती है। तो इस बार जो होलिका के दिन जो है भद्रा योग दोपहर 1 बजे तक ही रहेगा, जबकि होलिका दहन शाम को गौ धूली बेला के समय में शुरू होगा। भगवान विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से भी होलिका पर्व मनाने की भी परंपरा चली आ रही है। आप सभी को इस वर्ष होलिका की बहुत बहुत बधाई। हरिओम।